हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही एक्सप्लेन वे में मतलब एक्सप्लेन्ड वे में स्टोरेज अकाउंट के बारे में बताऊंगा। और अभी जैसे कुछ चीज़ों पे हमने काफ़ी लर्न किया है, तो फिर इस ट्रेनिंग के बाद हम थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड काम करेंगे, है ना? क्योंकि कंप्यूटर भी आप पढ़ चुके हो, नेटवर्किंग के बारे में आप पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा उसके बाद सिनेरियो बेस रहेगा। तो चलिए सीखते हैं स्टोरेज अकाउंट के बारे में। हमें कोई भी कुछ भी स्टोर से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें एज्योर के ऊपर स्टोरेज अकाउंट जो है हमारा बनाना पड़ता है, जिसके अंदर हमारे चार तरह के स्टोरेज रहते हैं। द नंबर वन इज ब्लोब। ब्लोब जो है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए यूज होता है, जहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, जो आपका मन करे, जैसी आपकी फाइल, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है, आप रख सकते हो। उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारा है फाइल स्टोरेज। तो फाइल स्टोरेज के अंदर हमारा एज एन ए डिस्क हमारा रहता है, जहाँ पे हम अपनी फाइल्स, फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ईजी एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैंने फाइल स्टोरेज सेटअप कर दिया है, तो हम उस फाइल स्टोरेज को मल्टीपल सर्वर्स के अंदर मैप करा सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स के साथ मैप करा सकते हैं, एंड देन दैट विल बी इन अ गुड सिंक। मतलब आपकी बिना कोस्टिंग, कुछ खर्चा किए, बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के वो आपका बेनिफिट कर सकती है डेटा शेयरिंग में, डेटा सिंकिंग में। द एग्जाम्पल इज दैट कि कोई सर्वर है जहाँ पे आपको एक ऐसी स्टोरेज चाहिए कि उस स्टोरेज के अंदर कुछ फाइलें जनरेट होती हैं, जैसे अकाउंट की कुछ फाइल जनरेट हो रही हैं, कोई भी ईमेलर जनरेट हो रहा है, आपको कुछ लॉग्स चाहिए, आपको सेंट्रल लोकेशन पे लॉग्स चाहिए, जहाँ पे आपकी एक पर्टिकुलर टीम बैठी हुई है 10 परसेंट्स की, या फिर मल्टीपल सर्वर्स हैं, वहाँ पे आपको लॉग्स इकट्ठे करने, या फिर रिपोर्ट्स, जैसे अकाउंट की रिपोर्ट है, या किसी वर्क की रिपोर्ट है, कोई मॉनिटरिंग की रिपोर्ट है, तो किसी भी चीज़ की आपको रिपोर्ट चाहिए, और वहाँ पे आपको एक ऐसा स्टोरेज चाहिए जहाँ पे वो मल्टीपल लोकेशंस के साथ सिंक में हो। तो फाइल स्टोरेज आपकी वहाँ पे हेल्प करता है, जो कि हम इसमें देखेंगे। फिर हमारा आता है टेबल। तो टेबल के अंदर टेबल हम जहाँ पे यूज करते हैं, वहाँ पे हमारा होता है स्ट्रक्चर डेटा, जो कि मोस्टली लाइक एसक्यूएल, जो कि डेटाबेस के लिए हमारा यूज होता है। जैसे हमें टेबल्स बनानी है, आपको कहीं पे कुछ डेटा चाहिए एम्प्लॉयज़ का, मोस्टली तो एम्प्लॉयज़ का होता है, अपने कस्टमर का, तो उस सब चीज़ों में हमारा टेबल यूज होता है। जो जो आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारे वहाँ पे किसी प्रोग्रामिंग के अंदर या फिर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आपका सेटअप होता है। फिर क्यू हमारा आता है। क्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो क्यू स्टोरेज का जो बेस्ट एग्जांपल है वो होती है बैंक ट्रांजेक्शंस। जैसे कि आपने आरटीजीएस कराते हैं आप, तो वो जो आरटीजीएस की बैंक ट्रांजेक्शन है वो आपका बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि जैसे आपने आरटीजीएस करा दिया तो वो क्यू में चला जाता है। क्यू का एक्सपेरिमेंट देखूंगा मैं कि किस तरीके से आपको दिखा सकता हूँ। तो वहाँ पे आपको क्यू स्टोरेज मिलती है कि आपका कोई प्रोसेसिंग वर्क है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, तो वहाँ पे हमें क्यू स्टोरेज यूज करते हैं कि किसी ने रिक्वेस्ट किया। जैसे हमने बहुत सारे पोर्टल्स पे देखा है, जैसे पीएफ का पोर्टल है, आप यूएन ईपीएफ पोर्टल पे अगर आप अपना पासवर्ड रीसेट करते हैं, वो 6 घंटे के बाद पासबुक पे रीसेट होता है, तो वो भी एक क्यू स्टोरेज है ना? तो उस तरीके का एग्जांपल फिट इट होता है। तो अब हम यहाँ पे अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, और फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर, थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी चलती हैं। तो ग्रुप जो है यहाँ पे, ये वेब टेस्ट ही ले लेते हैं, और स्टोरेज नाम दे देते हैं टेस्टिंग ओवरव्यू।
ईस्ट यूएस में ही रखेंगे, स्टैंडर्ड रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जियो रख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या होता है। लोकली में क्या होता है, लोएस्ट कॉस्ट ऑप्शन विद बेसिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वर रैक एंड ड्राइव फेलियर। मतलब ये जहाँ पे भी ये स्टोरेज बनेगा तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहेगा, वहाँ पे सिर्फ आपके कोई सर्वर की रैक है, अगर वो डाउन होगी तो दूसरे सर्वर रैक पे आपको मिल जाएगा। जियो रिडंडेंट के अंदर क्या है कि इंटरमीडिएट ऑप्शन विद द फेलियर कैपेबिलिटी इन द सेकेंडरी रीजन, तो दूसरे रीजन में हमें जोन की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये जोन की बात नहीं हो रही है, दिस इज अबाउट द रीजन। रीजन मतलब जैसे साउथ इंडिया रीजन है या फिर ईस्ट यूएस रीजन है, तो वहाँ पे बात हो रही है। फिर जोन रिडेंडेंट स्टोरेज, इमीडिएट ऑप्शन विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डाटा सेंटर लेवल फेलियर रिकमेंडेड फॉर द हाई अवेलेबिलिटी सिनेरियोज। तो ये हमें हाई अवेलेबिलिटी सिनेरियो, मतलब जो हमारे जोन्स होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर 2 3 जोन्स हैं जो भी हैं, उनमें अगर एक भी डेटा सेंटर फेल हो गया तो हमें दूसरे जोन में हमारा डेटा सेंटर मिल जाएगा। और जियो जोन रिडेंडेंट, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ऑप्टिमल डेटा प्रोटेक्शन सॉल्यूशन फॉर इंक्लूड द ऑफरिंग बोथ। यहाँ पे आपको जियो एंड जोन दोनों आपको मिलते हैं बहुत ही क्रिटिकल डेटा सिनेरियोज के अंदर। तो हम जियो के साथ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मेक रीड एक्सेस टू द डेटा अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ रीजनल लेवल अनअवेलेबिलिटी। चलिए भाई ठीक है, रिव्यू एंड क्रिएट एडवांस में जाके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर रिक्वायर सिक्योर ट्रांसफर, ये सारी इंफॉर्मेशन है। देखिए पब्लिक अब ग्लोब एक्सेस, अगर आप इसको हटा देंगे तो वो एक्सेस नहीं होगा, तो अभी हम रखते हैं। नेटवर्किंग के अंदर जाते हैं, पब्लिक एंड पॉइंट ऑल नेटवर्क्स, पब्लिक सिलेक्टेड नेटवर्क्स। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क हमारे बने हुए तो सिर्फ हम उन्हीं को ऐड करा सकते हैं, और प्राइवेट एंड पॉइंट, तो इसका लैब करके देखेंगे और फिर जो है समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अभी हम इसको पब्लिक कर देते हैं। और डाटा प्रोटेक्शन के अंदर बाद में इसको थोड़ा सा कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे अनेबल सॉफ्ट डिलीट फॉर ब्लॉब्स, डे ऑफ रिटेन डिलीट, ये 7 डेज तक रहेगा अनेबल सॉफ्ट, ये थोड़ा सा बाद में देख लेंगे इसको, कोई ज़्यादा हमारे लिए मेजर नहीं है। हमें जो मेजर देखना है वो हमें देखना है कि हम क्या क्या स्टोरेज है हमारा, उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये डिप्लॉय हमने कर दिया है, सो लेट्स वेट। ठीक है, डिप्लॉयमेंट हमारा हो गया है और अब हम चलते हैं अपने रिसोर्स के ऊपर और यहाँ पे कुछ फ्यू डिटेल्स देखेंगे। ये तो मैसेज आ रहा है, इट्स नॉट अवर कंसर्न फिलहाल के लिए। रिसोर्स ग्रुप आ गया, ईस्ट यूएस आ गया, प्राइमरी ईस्ट यूएस, सेकेंडरी वेस्ट, है ना। तो जो कि हमने क्या बनाया है, जियो रिडेंडेंट हमने बनाया है, राइट। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन जियो रिडेंडेंट, तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी ईस्ट यूएस है और सेकेंडरी वेस्ट यूएस है। सब्सक्रिप्शन आईडी हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजनिंग स्टेट सक्सेस एंड एवरीथिंग इज डन। और ब्लॉब सर्विस आप देखिए, होट अनेबल्ड अनेबल सब कुछ है, कुछ डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्यू सर्विस, टेबल सर्विस, फाइल सर्विस, है ना, एंड ब्लॉब सर्विस। देखिए ब्लॉब के अंदर कुछ ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल रहे हैं और फाइल सर्वर के अंदर और कम, और यहाँ पे थोड़े से मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्टोर एक्सप्लोरर, आपको यहाँ पे मिलता है। अदरवाइज हमें स्टोरेज एक्सप्लोरर इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे आप प्रीव्यू के अंदर आ रहा है, तो ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है,
अब हमारा जो काम शुरू होता है, देखिए यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, यही हमारा फिलहाल के लिए हमारा ये डेटा स्टोरेज, और यहाँ पे तो हमारा सिक्योरिटी और नेटवर्किंग आती है जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बट आज का जो हमारा मेन लेक्चर है वो है कंटेनर्स, जो हमारा ब्लोब है, फाइल शेयर, क्यू एंड टेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटेनर पे जाता हूँ। कंटेनर के अंदर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे बनते हैं ब्लोब स्टोरेज। तो कनेक्ट कंटेनर को प्लस करते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको टेस्ट, और प्राइवेट, देखिए यहाँ पे अनोमियस सब कुछ है, तो यहाँ पे मैं रीड एक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, और कंटेनर अनोमियस रीड एक्सेस टू कंटेनर एंड ब्लॉब्स, तो अभी के लिए कंटेनर कर देते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और एडवांस में क्या है, देखिए कोई इसका अभी प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएट करते हैं। देखिए टेस्ट हमारा हो गया है, अब इसके अंदर ये हमारा ब्लॉब बन चुका है। अब इसके अंदर हम जो मर्जी चाहें अपलोड कर सकते हैं, तो मैं कुछ फाइल एक फाइल अपलोड करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है अपनी एक फोटो अपलोड कर ली है, और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही अगर आपकी फाइल ऑलरेडी पड़ी होगी तो यहाँ पे आपको वो अपलोड नहीं करने देगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओवरराइट का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं अपलोड करता हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने की और जो चीज़ देखने की है वो ये है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपने ब्लॉग को एक्सेस करने के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इमेज के अंदर आप चले जाओगे, और यहाँ पे आपको देखिए डायरेक्ट यूआरएल मिलता है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, चेंज टायर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और यूआरएल से आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं पे इस इमेज को कॉल करवाना है अपने वेबसाइट के अंदर या कहीं पे भी, तो आप इस लिंक की हेल्प से उसको करवा सकते हैं। और उसके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, राइट, जनरेट एसएएस, तो ये की है हमारी जिसके अंदर हम शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर क्रिएट करते हैं जो कि हमारा सिक्योर रहता है। तो हम आगे लैब में अपनी देखेंगे, अभी के लिए हम ये टेस्टिंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ ये इमेज, जैसे ही हम ये पेस्ट करेंगे ये एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको एक्सेस दिए हैं पब्लिकली। देखिए हमारी इमेज एक्सेस, तो आप जो डेटा डिलीवरी है वो देखिए कि आप कितने स्पीड से आपको जो है डेटा का एक्सेस मिल रहा है, और कितने मतलब ये कितना हेल्पफुल है। अगर आपका किसी भी प्रकार का डेटा है आप यहाँ पे अपलोड करते तो आप उसको कहीं पे भी रिकॉल करवा सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो स्टोरेज एक्सप्लोरर है सिस्टम के ऊपर, वो भी मैं दिखाऊंगा इसमें आपको। तो अब हम फाइल शेयर का देखते हैं कि फाइल शेयर कैसे वर्क करता है, राइट। तो लेट्स गो देयर एंड गो टू रिसोर्स। अब हम यहाँ पे एक फाइल शेयर क्रिएट करते हैं। अब फाइल शेयर में और ब्लॉब में डिफरेंस आप समझना। जैसे ही मैं फाइल शेयर पे क्रिएट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे नाम आ गया और टेस्ट फाइल मैंने किया, इसने ले लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आता है ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज, अनेबल ट्रांजेक्शन हैवी वर्कलोड दैट डोंट नीड प्रीमियम लेवल लेटेंसी, ग्रेट फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर फाइल स्टोरेज ए बैकएंड स्टोरेज। तो जैसे एप्लीकेशन हमने जो सेटअप की है वहाँ पे इस तरीके का फाइल शेयर भी जरूरत पड़ती है, और वो एक मतलब आप ये नहीं कह सकते ना वो अच्छा ना वो बुरा है, राइट। दूसरा यहाँ पे होट सबसे यूजफुल होता है, वो होता है होट ऑप्टिमाइज अ जनरल पर्पज फाइल स्टोरेज सिनेरियो सच एज अ टीम शेयर एंड एजोर फाइल सिंक। जैसा मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपको सर्वर के अंदर सिंक चाहिए, मतलब आपको डेटा प्रॉपर यूज करना है, एक टीम उसको यूज कर रही है, तो वहाँ पे ये आपका काम करेगा। और कूल के अंदर तो ये है कि वो कभी कभी यूज होगा तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं इसको होट रख देता हूँ। मैक्सिमम आईओप्स यहाँ पे रहेंगे 1000 एंड 60 मेगाबाइट्स की हमें स्पीड मिलती है।
और मैक्सिमम कैपेसिटी है 5 TB, इसको हम अपग्रेड भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको क्रिएट करते हैं। देखिए कितनी जल्दी क्रिएट हो गया है। अब आप यहाँ पे जाते हैं और या फिर आप यहाँ पे देखोगे आपको एडिट कोटा का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसको 5 GB से बढ़ा के इसको मतलब 5 TB से बढ़ा के इसको और ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम जाते हैं टेस्ट फाइल के अंदर। देखिए अब जब हमने ब्लोब की बात करी तो हमें ब्लोब पे एक्सेस नहीं मिल रहा था, हमें फाइल का एक्सेस मिला है, राइट। अब हम यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है हमें, कनेक्ट कनेक्ट टू दिस टेस्ट फाइल। यहाँ पे तीनों ऑप्शन आ गए, विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस। और देखिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है जिसको हम यूज करेंगे और ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास मशीन बनी है कि नहीं बनी है, क्योंकि मशीन बनी हुई है तो हम डायरेक्ट उसी पे एक्सेस कर लेंगे एंड विल चेक, अदरवाइज मेरे को थोड़ा सा अपनी मशीन दिखानी पड़ जाएगी। देखता हूँ वर्चुअल मशीन नहीं पड़ी है, कोई बात नहीं, डिप्लॉय कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है, तब तक हम उसको एक्सप्लेन करेंगे आपको। एंड अभी कर देता हूँ फटाफट, टेस्ट टेस्ट अभी, एंड अवेलेबिलिटी जोन नो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया। यूजर नेम अभी सॉरी, अरे यार ठीक है, RTP ही हमें चाहिए और मैं इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ बस। क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप फाइल जो है अपलोड भी कर सकते हैं, डायरेक्टरी ऐड कर सकते हैं, डिलीट शेयर कर सकते हैं, चेंज टायर कर सकते हैं, एडिट कोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कनेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी भी मिलती है और स्टोरेज अकाउंट की भी मिलती है। देखिए ड्राइव लेटर आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ये स्क्रिप्ट आपको कॉपी करनी है और इसको हम पावर सेल के अंदर रन करना है, राइट। तो थोड़ा सा पावर स्क्रिप्टिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको लैब्स कर करके दिखाऊंगा, बड़ा ही मज़ा आता है। उससे क्या होता है कि आपको एक साथ देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम इसको चेंज करके चीज़ें और एक एक काम करें तो हमारे लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही ये रन करेंगे हमारा काम इंस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी मशीन मैं देख लेता हूँ, यस दिस इज क्रिएटेड, गो टू रिसोर्स और लॉगिन कर लेते हैं। पहले कॉपी, इसलिए मैंने वो एड्रेस कॉपी नहीं किया था अभी तक, MSTSC करते हैं, पेस्ट। ये मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है क्लाउड के अंदर की आप चुटकियों में अपनी मशीन बना लेते हो। गेस करते हैं एंड ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं और अपनी ड्राइव का एड्रेस जो है कॉपी कर लेते हैं, इस कॉपी कॉपीड हो गया। और यहाँ पे पावर सेल जो है एक्सेस करते हैं,
पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे कोई ड्राइव हमारी अटैच नहीं है, ठीक है, आपको जैसे दिख रही है। और यहाँ पे मैं पावर सेल के अंदर भी चला जाता हूँ। जा भाई, पावर सेल के अंदर गए, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस अपनी जो कमांड है वो पेस्ट कर देनी है। देखिए सारी वो पेस्ट हो जाएगी और एंटर कर देते हैं। ये देखिए अटेम्प्ट हो रहा है, इट्स अटेम्पिंग, और अब यहाँ पे एक इशू आपको आ सकता है। देखिए हमारी रिफ्रेश करते हमारी जो है कनेक्ट हो गई है, आपको एक इशू आ सकता है कि यहाँ पे तो देखिए अभी सब कुछ अलाउड है, तो ये पोर्ट जो है 445 आपके नेटवर्क में एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी फाइल क्रिएट करके देखूँगा, कुछ भी आप बना दीजिए, नॉट अ बिग डील। न्यू फोल्डर, शॉर्टकट, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यू टेक्स्ट, आप इसकी स्पीड भी देखिएगा। अब मैंने जैसे ही बनाई है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको हटाते हैं। अब इसकी स्पीड देखना, देखिए आपको दोनों फाइल यहाँ पे इंस्टेंट मिलती है, और ये सेम चीज आपको हर जगह मिलेगी, राइट। बात यहाँ की नहीं, आप किसी भी मशीन पे या कहीं पे भी इसको एक्सेस कराते हो तो आपको मिलता है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, देखिए आप कितना क्लियर हो पा रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको मिली एक शेयर ड्राइव, और वहां पे आपको क्या मिलती है कि आपको एक कंटेनर मिलता है। उस कंटेनर के अंदर आप जो भी रखोगे आप उसका एक इंडिविजुअल लिंक बना सकते हो, और उसकी हेल्प से आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए शेयर्ड एक्सेस टोकन्स, ये भी आप यहाँ पे आया हुआ। अब अगर हम इसको यूज करते हैं तो क्या होता है, हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको जनरेट करना होगा। सो लेट्स ट्राई टू जनरेट, ये हमारा हो गया। अब इस ब्लॉब टोकन को आप यूज करके अपने यूआरएल, अपने वेबसाइट के अंदर इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब क्यू के अंदर, अब क्यू का मुझे थोड़ा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा कि मैं आपको कैसे इसका डेमो दिखा सकता हूँ। एंड मैं एक बार इसको करूँगा और फिर आपको ये दोनों पार्ट जो है दिखाऊंगा। ये देखिए ये क्यू बन गई है यहाँ पे, तो हम इसको एक्सेस करके देख लेते हैं क्या दिखाता है। तो ये जैसे क्यू हमारी रन करेगी, है ना, तो इसका मेरे को थोड़ा सा मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी वेबसाइट की, तो आई विल डू इट। ये देखिए ये थोड़ा सा कोड आ गया है यहाँ पे, जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे फिल करेंगे वो हमारी काम करेगी, राइट। तो सेम चीज हमारे टेबल के अंदर है, अगर हम यहाँ पे टेबल ऐड करते हैं तो ये हमारा एक डेटाबेस के लिए टेबल ऐड हो जाएगा। ओके करते हैं, तो ये सारे फीचर जो हैं हम इस तरीके से रिकॉल करा सकते हैं उसको। डिलीट एक्सेस पॉलिसी हम इसकी मैनेज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, जैसे अब कंटेनर है आपको किसी को एक्सप्लेन करना है और फाइल आपको किसी को एक्सप्लेन करनी है, तो आप इस तरीके से ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो टायर्स होते हैं, हॉट, कूल, अर्काइव, ये तीन तरह के टायर होते हैं जिनको मैं थोड़ा सा, वो थ्योरी की क्लास है, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक चीज और आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं, हम इनका टायर कभी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार देखिए होट दिखा रहा है आपको चेंज टायर, राइट।
हम इसको हॉट से कूल में जा सकते हैं और ट्रांजेक्शन अब ऑप्टिमाइज में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद अगर कंटेनर में जाते हैं, कंटेनर के अंदर देखते हैं कि सपोज दैट आपने ये डेटा अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक्सेस स्टार होट इनहेरिटेड। अब यहाँ पे मैं अगर 3 डोर्स पे जाता हूँ तो क्या ऑप्शन हमें मिल रहे हैं? प्रॉपर्टीज चेंज टायर में अगर हम देखते हैं तो देखें यहाँ पे होट कूल और अर्काइव। अर्काइव का फीचर क्या आता है कि ये हमें ब्लॉब के अंदर मिलता है। अगर हम इसको अर्काइव कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका चार्जेस जो है कम लगेगा और आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। बट उसमें कंडीशन है कि वो डेटा अगर आपको फ्रिक्वेंटली नहीं चाहिए, सपोज दैट आपने कोई बैकअप आया आपके पास जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको अपलोड करने के बाद अर्काइव में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो कम चार्जेस पे आपके लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन जब आपको उसको यूज करना होगा तो आपको उसे अनअर्काइव करना पड़ेगा, उसको होट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम इसको कर देते हैं अर्काइव के अंदर। ये देखिए अब ये अर्काइव के अंदर हो गया। अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं और इसको एक्सेस करने का देखते हैं क्या दिखाता है। ये आ रहा है तो लेट्स ट्राई टू एक्सेस इट, क्या मैसेज आता है देखते हैं। ये इमेज थी हमारी, इसको कर देते हैं डिलीट, ये भी डिलीट, और यहाँ पे न्यू टैब ओपन करते हैं और पेस्ट करके देखते हैं। ये भी आ रहा है बट आना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हमने टायर जो है चेंज किया है। तो हम इस डेटा को अगर आप नोटिस करें, देखें यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। गॉट इट? आप एक्सेस कर पा रहे हैं लेकिन यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने इसका टायर जो है चेंज कर दिया। मतलब आप इस डेटा को रिक्रीव, आप इस डेटा को कुछ यूज नहीं कर सकते। ये देखिए अर्काइव में चला गया। मैं एक दो बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर देखते हैं इसका क्या ऑप्शन दिखा रहा है हमें। दिस ब्लॉब इज करंटली अर्काइव दैट कांट बी डाउनलोडेड राइट, रीहाइड्रेट द ब्लॉब बाई चेंजिंग द एक्सेस टायर हॉट और कोल्ड टू इन ऑर्डर टू डाउनलोड। तो ये डाउनलोड नहीं होगा और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि डेटा तो आप जब तभी यूज कर सकते हो जब आपके लिए डाउनलोड होगा। तो हम इसको जो है टायर जो है चेंज कर देते हैं दोबारा से एंड मेक इट हॉट। तो ये हमारा डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। रीडाइट आपने देखा, रिहाइड्रेट पॉलिसी जो थी, ये डेटा कम है इसलिए तो ये चुटकियों में हो रहा है। लेकिन जब आपके पास बहुत सारा डेटा होगा तो आप उस टाइम पे, ये बहुत टाइम लेगा इसको अर्काइव होने में और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है राइट। रिहाइड्रेटिंग, ये देख रहे हैं आप, रिहाइड्रेटिंग एंड प्योरिटी कांट बी डाउनलोडेड। तो ये कि ये प्रॉब्लम है आपके पास कि आप ये डेटा डाउनलोड नहीं कर सकते हो राइट। तो इस तरीके का ये थोड़े से 3 डिफरेंस थे हॉट कूल एंड आर्काइव के अंदर। कूल में जहाँ पे आपका एक्सेस कम आपको जरूरत पड़ती है और होट के अंदर आपको हैवी एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है। ये मेरा एक ओवरव्यू था हमारे स्टोरेज के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी पसंद आई होगी, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन मज़ा आया होगा देखने में और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी क्योंकि जो ब्लॉब सर्विस है और हमारी जो फाइल सर्विस है वो कैसे यूज होती है और क्यू सर्विस और टेबल सर्विस हमारी यूज होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।